मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। टॉम सॉयर का अगला पैराग्राफ देखिए ध्यान से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाज सैटरडे, शनिवार। वाज था, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल था शट बंद, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज, सभी बच्चे, इन द विलेज, गांव में, वर थे फ्री, यानी गांव में सभी बच्चे फ्री थे, स्वतंत्र थे। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, यह एक सुंदर दिन था। द सन वाज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड द बर्ड्स, और चिड़ियाँ, वर थी सिंगिंग, और चिड़ियाँ गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स, पेड़ और पुष्प, लुक्ड, दिखते थे सो फ्रेश, ताजे, बहुत ताजे, एंड लवली, प्यारे। टॉम ऑफ कोर्स, टॉम वास्तव में वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, चाहता था टू गो जाना, फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए। ऑल द अदर बॉयज, दूसरे अन्य लड़के, वर थे गोइंग, जा रहे, दूसरे अन्य लड़के जा रहे थे। टॉम केम सैडली, टॉम आया सैडली, दुखी होकर, आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर, टॉम दुखी होकर घर के बाहर आया। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड, वह पकड़े हुए था, ए लॉन्ग ब्रश, एक लंबा ब्रश। इन द अदर, दूसरे में, ही कैरीड ए बकेट, वह लिए हुए था ए बकेट, एक बाल्टी, विच वाज, जो कि थी, फुल ऑफ वाइट वाश, जो कि सफेदी से भरी हुई थी। हिज आंट वाज मेकिंग, उसकी मौसी मेकिंग, बना रही थी, हिम, उसे, वाइट वाश, सफेदी, अर्थात उसकी मौसी उसे सफेदी करने को दे रही थी। द फेंस, चार दीवारी पर। टॉम लुक्ड सैडली, टॉम ने दुख से देखा एट द फेंस, चार दीवारी की तरफ। हाउ हाई इट इज, यह कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, यह कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड, वास्तव में, द हाइट, ऊंचाई, ऑफ द फेंस, चार दीवारी की, वाज थी 9 feet, 9 feet, एंड इट्स लेंथ वाज, और इसकी लंबाई थी 30 yards, 30 गज। टॉम पुट हिज ब्रश इन टू द वाइट वाज, सफेदी में, टॉम ने अपना ब्रश सफेदी में डाला। ही ड्रू, उसने खींचा, इट, इसे, स्लोली, धीरे से, अक्रॉस द फेंस, फेंस के ऊपर। इट मेड, इसने बना दिया, अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, एक बहुत छोटा सफेदी का चिन्ह बना दिया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने फिर कोशिश की, अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दूसरा वेरी, बहुत स्मॉल, छोटा सफेदी का चिन्ह, दूसरा बहुत छोटा सफेदी का चिन्ह। टॉम सेट डाउन, टॉम बैठ गया, एंड साइड हैवीली, और तेजी से आह भरी। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स, उसने सारी की सारी चीज़ें, टुक आउट, निकाली,
दैट ही हैड जो उसके पास थी, इन हिज पॉकेट्स उसकी जेब में, ही हैड सम मार्बल्स उसके पास कुछ कंचे थे, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग कुछ रस्सी के टुकड़े थे, एंड टू आर थ्री दो या तीन ब्रोकन टॉयज टूटे हुए खिलौने। नो वन विल वाइट वॉश कोई सफ़ेदी नहीं करेगा द फेंस चार दीवारी पर फॉर दीज इनके लिए, ही थाट उसने सोचा। नो नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, आई मस्ट थिंक हमें सोचना ही होगा ऑफ ए बेटर प्लान एक अच्छी योजना के विषय में सोचना ही होगा। ही थाट उसने सोचा, एंड थाट और सोचा, सून ही हैड एन आइडिया जल्दी ही हैड एन आइडिया उसे एक विचार मिल गया या उसको एक विचार आ गया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन उसने उठाया हिज ब्रश अगेन उसने फिर से अपना ब्रश उठाया, एंड बिगैन वर्किंग और कार्य करना शुरू कर दिया, हार्ड कठिन कठिनता से कार्य कठिन कार्य करना शुरू कर दिया। बेन रोजर्स वाज बेन रोजर थे कमिंग डाउन आ रहे थे द स्ट्रीट्स गली से। टॉम प्रीटेंडेड टॉम ने बहाना किया नॉट टू सी हिम उन्हें न देखने का। ही वर्कड हार्डर देन एवर ही वर्कड हार्डर वो और अधिक परिश्रम करता हुआ कार्य करता रहा देन एवर जैसा कि पहले करता था। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल बेन वाज बेन था ईटिंग खा रहा एन एप्पल एक सेब। ही लुक्ड वेरी हैप्पी वह बहुत प्रसन्न दिखता था। ही वाज वह था प्रीटेंडिंग बहाना कर रहा दैट कि ही वाज ए बिग शिप वह एक बड़ा जहाज है एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन वह उसी प्रकार से प्रदर्शन कर रहा था अभिनय कर रहा था। ही वाज गिविंग ऑर्डर्स वह आदेश दे रहा था इन ए लाउड वॉइस एक तेज आवाज में एंड द शिप और जहाज वाज था ओबेइंग आज्ञा मान रहा देम उनकी। ही केम अप टू टॉम वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आईज उसने अपनी आँखें रब्ड मली। वाई क्यों टॉम ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज वह बड़े ही आश्चर्य से चिल्लाया यू आर वर्किंग तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन उसने जारी रखा विद हिज वाइट वॉशिंग यानी वह सफ़ेदी करना उसने जारी रखा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क वह अपने कार्य में बहुत ही रुचि दर्शाता हुआ दिख रहा था। टॉम यू आर वर्किंग टॉम तुम काम कर रहे हो बेन रिपीटेड बेन ने फिर बात दोहराई। ओह इट्स यू वेन तुम बेन हो आई डिडंट नोटिस यू मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम आई एम जस्ट गोइंग मैं अभी अभी जा रहा हूँ फॉर ए स्विम एक तैराकी के लिए। यू डोंट वॉन्ट टू कम यू डोंट वॉन्ट क्या तुम नहीं चाहते टू कम आना क्या तुम नहीं आना चाहते डू यू क्यों नहीं आना चाहते। यू लाइक वर्किंग यू लाइक तुम पसंद करते हो वर्किंग काम करना डोंट यू क्यों तुम लाइक नहीं करते। दिस इज नॉट वर्क यह काम नहीं है टॉम सेड क्वाइटली टॉम धीरे से बोला शांति से बोला। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग और उसने वाइट वॉशिंग सफ़ेदी करना जारी रखी। नॉट वर्क काम नहीं बेन एक्सक्लेम्ड बेन आश्चर्य से बोला। ओह नो अरे नहीं आई लाइक इट
यह मुझे पसंद है। वाइट वॉशिंग इज फन, सफ़ेदी करना एक मजाक है, आनंद है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड, तुमने कभी सफ़ेदी नहीं की है। एफेंस, चार दीवारी पर। हैव यू, क्या तुमने नहीं की। वेल, हाँ, नो, नहीं, आई हैवेंट, मैंने सफ़ेदी नहीं की। फॉर ए टाइम, एक क्षण के लिए। बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, बेन खड़ा हो गया, देयर वहीं, वॉचिंग देखता हुआ टॉम को। टॉम पेड नो अटेंशन, टॉम ने कोई ध्यान नहीं अदा किया, कोई ध्यान नहीं दिया। टू हिम, उस पर, टॉम ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन, उसका पूरा का पूरा ध्यान। वाज था गिवन टू हिज वर्क, अपने कार्य पर दिया जा रहा था। एट लास्ट, अंत में, बेन सेड, बेन ने कहा, लेट मी व्हाइट वॉश ए लिटिल, मुझे भी थोड़ी पुताई कर लेने दो। ओह नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू मेक दिस फेंस, इस चहारदीवारी को बनाने, लुक अच्छा, लुक फाइन, बहुत अच्छा बनाने जा रहा हूँ, मैं इस चहारदीवारी को बहुत अच्छा दिखने में बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पोली, मैंने आंट पोली से वादा किया है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इट इज़ इंटरेस्टिंग, यह रुचिकर भी है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, मुझे थोड़ा सा कर लेने दो। बैग्ड बेन, बेन गिड़गिड़ाया, बेन ने प्रार्थना की। नो आई एम सॉरी बेन, नहीं बेन, मुझे बहुत दुख है, बट आई कांट, मैंने ऐसा कर सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, मौसी ने कहा दैट कि आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, मैं ही इसे स्वयं करूं। इफ यू डू इट, यदि तुम इसे करोगे, यू विल मेक ए मिस्टेक, तो तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ खराब कर दोगे, नष्ट कर दोगे। इट इज लुकिंग सो नाइस नाउ, अब यह बहुत अच्छी दिख रही है। आई शांट मेक ए मिस्टेक, आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा सेब ले सकते हो। If you let me, यदि मुझे आप काम करने दें। Slowly and unwillingly, धीरे से और अनिच्छा से, Tom handed, Tom ने पकड़ा दिया the brush, ब्रश को, to Ben, Ben को। बड़े ही धीरे और अनिच्छा से Tom ने अपने ब्रश को Ben को पकड़ा दिया। Ben worked hard, Ben कठिन परिश्रम करने लगा। He soon grew hot, वो जल्दी ही गर्म हो गया, थक गया। But he went on working, लेकिन वह कार्य करता रहा। Tom sat there, Tom वहीं बैठ गया। Watching and eating Ben's apple, watching देखता हुआ, and eating खाता हुआ, Ben's apple, Ben का सेब खाता हुआ, और दीवार को देखता हुआ वहीं बैठ गया। When Ben had done enough, जब Ben ने had done enough, पर्याप्त कार्य कर लिया। Other boys came along, दूसरे लड़के भी आ गए। At first, सबसे पहले, they laughed at Tom, वे Tom पर हंसे। As Ben had done, जैसा कि Ben ने किया था। But, लेकिन, soon, जल्दी ही, देवर वे थे वाइट वॉशिंग, सफ़ेदी कर रहे, द फेंस, चहारदीवारी पर। जल्दी वे भी चहारदीवारी पर सफ़ेदी कर रहे थे। ऑफ कोर्स, वास्तव में, दे हैड टू पे, उन्हें अदा करना पड़ा, टॉम को, बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, इससे यानी सहायता करने से पहले उन्हें कुछ न कुछ टॉम को देना पड़ा।
दे गेव हिम दियर बेस्ट थिंग्स, दे गेव उन्होंने दी हिम उसे दियर बेस्ट थिंग अपनी सबसे अच्छी चीज़ें, 12 मार्बल्स 12 कंचे 18 सोल्जर एक टिन का सोल्जर सिपाही, अ की एक चाबी, अ डॉग्स कॉलर एक कुत्ते का पट्टा, द हैंडल ऑफ ए नाइफ एक चाकू का हैंडल, एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज और 4 ऑरेंज की फांकें, संतरे की फांकें। टॉम हैड एन इजी टाइम, टाइम हैड टाइम के पास था, एन इजी टाइम एक बड़ा ही आनंददायक समय था, टॉम के पास अब एक आनंददायक समय था। ही डिड नॉट वर्क उसने काम नहीं किया, बट सून लेकिन जल्दी ही, द फेंस हैड 3 कोर्ट्स चार दीवारी पर हो गए थे, 3 कोर्ट्स 3 परते ऑफ वाइट वास सफ़ेदे की, ऑन इट इस पर। मेरे बच्चों आज मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगला जो न्यू मेडिसिन फॉर टॉम ये जब पढ़ाएंगे तब ग्रामर की भी बात करेंगे। तब तक देखते रहिए, समझते रहिए और हमें कमेंट करते रहिए।